डेट ऑफ बर्थ मैं बताता हूँ आपको, 25 जुलाई 1929 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, उसके बाद मैं पैदा हुआ हूँ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से पैदा हुआ हूँ। और मेरे वालिद रेलवे में सर्विस करते थे, तो उनके तबादले वगैरह हुआ करते थे, तो उनके साथ हमको भी इधर उधर जाना पड़ता था। अच्छा। फिर बाद में वो मैं कुछ 7-8 साल का होऊंगा, फिर बॉम्बे आ गए, तो हम फिर बॉम्बे में मतलब है। तो आप 7-8 साल की उम्र से बॉम्बे में? बॉम्बे आ गए। नाम क्या था आपके वालिद का? मोहम्मद रफीउद्दीन। और क्या जॉब थी रेलवे में? रेलवे में ऐसे कलर्क थे, बुकिंग कलर, पार्सल कलर। अच्छा। इस वजह से फिर इससे मास्टर भी बने वो। अच्छा। तो काफी मतलब टीसी का भी काम किया उन्होंने। अच्छा। काफी काम किया उन्होंने। उसके बाद भूमि में आके बस गए, ऐसे भूमि में रहने लगे। फिर जब पाकिस्तान बना तो वालिद साहब पाकिस्तान चले गए, हम यही रह गए। अच्छा, आपके वालिद पाकिस्तान चले गए? पाकिस्तान ले गए। फिर उन्होंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा तुम लोगों को, तो बुला नहीं पाए और हम जा भी नहीं पाए। फिर बाद में हमको भी नौकरी की जरूरत पड़ी, वाली साहब चले गए, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो आपकी मदर? मदर मेरे साथी है। अच्छा, वो आपके साथ? मेरे साथी थी। वो ऐसा कैसे उन्होंने डिसीजन ले लिया? आपको इसका कभी वो नहीं हुआ कि ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, चलता रहता है, तो अभी क्या करे? नहीं, ऐसा चलता क्यों रहता है? तो पाकिस्तान चले गए ना, वहाँ पे दूसरे शादी होगी, करनी होगी, और क्या है। अच्छा, फिर उसके वो जाने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ। वाले फिर आपकी मदर? वो मेरे साथ ही, मेरे साथ ही। उन्होंने शादी नहीं की? नहीं। और आपके भाई बहन वगैरह? एक भाई है मेरा इस मदर से। अच्छा। वो अभी है यहाँ पे मेरे पास ही है वो, तो हम दोनों भाई यही रहते हैं, और अभी कैसे चल रहा है। फिर मुझे नौकरी की जरूरत पड़ी, तो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर MB अंसारी करके, एम बी अंसारी अच्छा। जो कि फिल्म लाइन में काम करते थे और मेरे साथ पढ़ते भी थे वो। तो किस साल की बात है ये, समझो 50-51 की बात है ये। अच्छा। 1950 तब तक आपके पढ़ाई लिखाई का क्या था? हाँ, बस मैं मैट्रिक तक किया, पढ़ा मैंने। मैट्रिक मतलब 7th तक पढ़ा। उसके बाद 7th में फिर वाले साहब चले गए, तो पढ़ाई भी इधर उधर हो गई, फिर हम फेल हो गए। फिर हमको नौकरी करने की जरूरत पड़ी, नौकरी करने लगे, तो मेरा जो दोस्त था MP अंसारी, वो कारदार के काम करते थे वो। अच्छा। कारदार प्रोडक्शन में, तो उनके साथ फिर मैं उनके साथ हो लिया, तो उनकी वजह से मैं फिल्म लाइन में भी आ गया। वो मतलब क्या काम था? वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, एज ए इलेक्ट्रिशियन, और साउंड में भी करते थे इलेक्ट्रिशियन में। पहले तो ऐसे ही था ना, जो भी मिला कर लिया इस तरह। तो जब आप बॉम्बे आए तो आप किस इलाके में रहे? मैं कुरला में रहता था उस वक्त। अच्छा। कुरला करके तो यहाँ पे कुछ पढ़ाई भी की होगी ना आपने? नहीं नहीं, वही 7th की पढ़ाई। तो मगर वो बॉम्बे में पढ़े? वो बॉम्बे में है। अच्छा। पोर्टल प्रॉपर्टी हाई स्कूल है बेटी के ऊपर, बेटी के ऊपर है स्कूल, सामने ही इसके पोर्टल प्रॉपर्टी हाई स्कूल, 410 प्रॉपर्टी, प्रोपराइटरी हाई स्कूल, प्रोपराइटरी है, वही पढ़े हम। उसके बाद कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद नौकरी लग गए, तो उसके साथ। तो जब आपने मतलब वो कारदार स्टूडियो या फिल्म स्टूडियो था उनके पास? उनका कारदार स्टूडियो था ना। अच्छा, तो उस वक्त क्या आप उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? अभी देख लीजिए, उम्र 51 में, 29 51 कितना हुआ देखिए। हाँ, ठीक है, 30 से मतलब 22 साल के थे। 22-23 साल की यही उम्र। तो उसके बाद फिर वो उनके साथ में अंसारी साहब के साथ में महबूब में आ गया, महबूब में थोड़ा काम किया। फिर उसके बाद महबूब स्टूडियो का रिकॉर्डिंग थिएटर था, उसमें कौशिक साहब थे रिकॉर्डिस्ट, उनके साथ में लग गया म्यूजिक सेक्शन में। तो गाने वगैरह रिकॉर्ड करते थे यहाँ पे उस वक्त। तो मतलब कारदार में आपने क्या कुछ 2-3 साल ही काम किया? नहीं, कारदार में नहीं किया मैंने, अंसारी के साथ वो कारदार में थे, और फिर वो उनके साथ में कारदार में मतलब 2-4 महीने ही आया हुआ। अच्छा, अच्छा। उसके बाद फिर वो महबूब स्टूडियो में, अंसारी महबूब स्टूडियो में आ गया,
तो मैं मेरे से मगर आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद भी एक लंबा अरसा पड़ता है जो काम शुरू करने के पहले, क्योंकि अगर आपने सेवेंथ तक या एट तक पढ़ा तो उसके बाद एक काफी एक अरसा है जिस वक्त में आप उसका कोई जिक्र नहीं है। वही काम करता रहा ना मैं, इलेक्ट्रिशियन बोलिए, साउंड में बोलिए, जो भी काम मिले मिलता था करते थे। अच्छा अच्छा। ये और महबूब में जब आए आप, हाँ तो एज ए असिस्टेंट रिकॉर्डिंग, वो खुद भी महबूब आए ना। हाँ वो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में थे और मैं साउंड डिपार्टमेंट में आ गया। अच्छा। अब चूंकि मैं बूम अच्छा ऑपरेट करता था, बूम में अच्छी महारत थी मेरे, तो बूम पे काम करने लग गया फिर। वो तो फिर मतलब फिल्म की शूटिंग कर रहा था। फिल्म की शूटिंग, हाँ। उन दिनों में मिस्टर मिसेस 55 पी बन रही थी पिक्चर, आपने इनकी गुरुदत्त की, तो उसमें ऐसे वूमेन में था। और फिर उसके बाद वो कोहिनूर बनी सनी साहब की, ये वो सभी पिक्चरें बनी सबके साथ ऐसे। टाइटल अभी पता नहीं, याद नहीं मुझे है कि नहीं है। मैं थर्ड असिस्टेंट फोर्थ असिस्टेंट था यार, नहीं अगर वूमेन वूमेन का तो टाइटल होता है पर मुझे याद नहीं अभी है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ इसमें मदर इंडिया में है मेरा टाइटल, मदर एज ए वूमेन थर्ड असिस्टेंट। थर्ड असिस्टेंट यहाँ पे एक मुझे आप ये बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो पहली फिल्म का आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर उसको मिस्टर एंड मिसेस 55 समझे तो ठीक रहेगा ये। हाँ, पहली फिल्म, हाँ, बूम के सेट में, बूम में लगा। हाँ, बूम में। कौन से नंबर स्टेज पे? बड़ा ना, सीन नंबर टू। सीन नंबर टू, तो उस टाइम पे तीन नंबर नहीं होगा? नहीं, उस टाइम पे तीन नंबर बन रहा था। सॉरी, तो इसका कुछ बताइए कि मतलब आपको फिल्म की बिगनिंग से ही आप उसमें जुड़ गए कि बीच में आए? और नहीं, काम शुरू से जुड़ गया था मैं। अच्छा, तो वो बूम तो वो वाली जो पूरी एमआर की जो, हाँ, एमआर के बूम थे ना, जो बड़े बड़े बूम थे, एक तो बूम था और एक हाथी बूम था, पता नहीं क्या क्या बूम थे, बहुत बड़े बड़े बूम ना, बहुत बड़े बड़े बूम थे। तो इतना बड़ा था कि यहाँ से गेट तक चला जाएगा। अच्छा, तो पर हाथी वाला बूम जो है यहाँ से गेट तक जाएगा, इतना लंबा बूम था उसको, बहुत बड़ा बूम था वो। उसको आप हाथी बूम कहते थे? वो हाथी बूम कहते थे। और तो बूम था, छोटा सा था लेकिन वो भी बड़ा लंबा जाता था, कुछ एक 15-20 फुट तक का। तो महबूब में मैंने भी यूज किया है। हाँ, बस वो तो वो जो है वो हाथी तो बूम है। तो बूम है छोटा। अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ा सा ऊंचा है। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा है, ऐसे ऊपर भी जाता था वो, नीचे भी आता था। और वैसे माइक की फिटिंग थी, पैन रस्सी होती थी। हाँ, वो रस्सी से उसको फेसिंग करते थे, उससे छोटी सी पुली थी। हाँ, पुली थी उससे। मैं बहुत एक्सपर्ट था बूम में, ऐसे बूम में। कमाल की बात है कि मैंने भी उस बूम पे काम करना बहुत एंजॉय किया है ना। मुझे भी मतलब बहुत पिकअप मेरा बहुत अच्छा हो गया है ना। तो मुझे उसकी शूटिंग के बारे में कुछ और बताइए। रिकॉर्डिंग किस में करते थे? रिकॉर्डिंग तो ये थी ऑप्टिकल पे, सीधे ऑप्टिकल पे, सीधा ऑप्टिकल पे। तो टेप नहीं था उसमें। अच्छा, टेप भी बाद में मेरे ख्याल से मदर इंडिया के टाइम पे आना शुरू हो गया टेप बाद में। तो 55 मदर इंडिया से पहले की फिल्म है? नहीं, सब उसी जमाने की। अच्छा, जमाने की 55। और वो उसके बाद वो नेक्स्ट मदर इंडिया समझ लीजिए। अच्छा, उस वक्त उस वक्त वो आ गया था, टेप आ गया था। तो 64 टेप नंबर 64 क्या था, एमआर के ना, एमआर था क्या था, नहीं 35 टेप लगती थी उसमें। 64 था नंबर उसका। और इक्विपमेंट क्या था? ये आरसी इक्विपमेंट था। और ये रिसेप्शन था हमारे पास, रिसेप्शन था हमारे पास नहीं आया था। हमारे पास जब ये रिकॉर्डिंग थिएटर बना ना इसका, अपने गाने का जो बना, तो उस वक्त वो वेस्टेक्स आया और क्लैंग फिल्म आया, नया इक्विपमेंट आया। क्लैंग फिल्म आपनेट में आए, क्लैंग में इंस्टीट्यूट में भी था, महबूब में भी था। पहले हमारे पास ही आया था। आप हमारे पास मतलब महबूब में? महबूब में। फिर एक और भी शेख साहब, इसका जो फिल्म मिस्टर 55 का थोड़ा सा और बताइए कि जैसे ठीक है आप थर्ड असिस्टेंट थे जी, लेकिन गुरुदत्त या उसके जो कैमरामैन थे
क्योंकि वूमैन का कैमरामैन के साथ जो है थोड़ा सा लगा रहता है, और एक्टर्स उनके साथ आपकी कैसे मतलब? नहीं, एक्टरों के साथ तो ज्यादा मैंने मेरे से कुछ ज्यादा वो नहीं, खाली कैमरामैन के साथ मेरा अच्छा जमता था वो। और गुरुदत्त जी के साथ? गुरुदत्त जी तो डायरेक्टर ना, एक्टर भी तो थे वो, एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे, लेकिन ज्यादा अपना उनके साथ ज्यादा मैं ज्यादा मिक्सअप होता भी नहीं था, मैं अपने टेक्नीशियन के साथ ही मिक्सअप होता था। मूर्ति साहब थे उस जमाने कैमरा मैन, क्या वीके मूर्ति कैमरा मैन, गुरुदेव के खास कैमरा मैन थे। तो गुरुदेव जी का जो काम करने का तरीका था उसमें आपको कुछ बाकी लोगों के साथ भी आपने काम किया? नहीं, उनका तरीका बहुत ही अच्छा था, बड़ा सिंपल तरीका था उनका, ज्यादा गुस्सा वुस्सा भी नहीं करते थे, हंसते खेलते सब काम करते थे, बड़े प्यार में। टेक्निकली मतलब कि कैमरा प्लेसमेंट या उस जमाने अपने को इतना सेंस भी नहीं था, आपकी भी पहली इतना ज्यादा। और एक्टर को जो एक्सप्लेन करते थे? नहीं, वो तो डायरेक्टर ही करता था। हाँ, मैं उसके बारे में आपको कुछ लगा कि वो कुछ कैसे करते थे? नहीं, वो डायरेक्टर ही। तो मिस्टर एंड मिसेस 55 करीब एक साल के अंदर बन गई थी? हाँ, एक साल के अंदर बन गई थी। उसमें तो क्या है, घर के आर्टिस्ट वगैरह सब थे, सबसे फटाफट काम होता था, ऐसे नहीं कि डेटों के लिए वेट करना है। तो 55 है तो मतलब ये 54 में ही बनी होगी? हाँ, 54 में। इसमें जॉनी वॉकर भी थे, उसमें गुरुदेव जी थे, हीरोइन में भूल गया, हीरोइन को पता नहीं मेरे ख्याल से भूल रहा हूँ कौन हीरोइन थी उसमें, याद नहीं आ रहा है मुझे। फिर उसके बाद मदर इंडिया शुरू हुई, मदर इंडिया में महबूब साहब के साथ काम किया, उसमें कैमरामैन थे परिजू निरानी और रिकॉर्डिस्ट थे मिस्टर कौशिक और मैं तो थर्ड असिस्टेंट। अच्छा, मिस्टर कौशिक पहले फिल्में करते थे क्या? म्यूजिक बाद में उनका शुरू हुआ? हाँ, बाद में थे, म्यूजिक भी करते थे, फिल्म भी करते थे। अच्छा, तो मदर इंडिया के गाने उन्होंने किए? उन्होंने किए, उन्होंने किए। और महबूब ने किए? महबूब ने किए और वो फ्लोर के अंदर किए, स्टेज भी नहीं डाल सकता। एक बार थिएटर था, मान याद होगा आपको, महबूब में प्रीव्यू थिएटर था, एक ट्रायल वगैरह देखा करते थे। नहीं, मेरे समान उस वक्त नहीं था। एक जो म्यूजिक थिएटर जो ऊपर बना बाद में, वो तो बाद में बना, वो तो बहुत बाद में। तो वो जो थिएटर था ना, उसमें रिकॉर्डिंग गाने रिकॉर्ड हुआ करते थे। अच्छा, एक पिक्चर बनी थी दीवार, दीदार दिलीप कुमार, राजकपूर, ये सब थे उसमें, तो उसके गाने वहाँ हुए थे, तो वो कौशिक साहब ने किए थे उस गाने। मदर इंडिया के भी हुए? मदर इंडिया के भी, मदर इंडिया के तो शुरू में तो वहाँ हुए थोड़े, बाद में अभी नौशाद साहब को म्यूजिक ज्यादा लगता था तो वो थिएटर बनाए जाए, तो फिर यहाँ बाकी गाने नहीं तो फ्लोर पे होते थे। अच्छा। स्टेज नंबर वन है ना, जिसमें शूटिंग होती थी। हाँ, उसी में गाने शूटिंग। अच्छा। स्टेज नंबर वन जो है, उसमें हम तब तंबू बांध दिया करते थे, छोटा वाला जो टेंट बांध दिया करते थे, ब्लैंकेट का, और उसमें वो एकॉस्टिक हाइट कम करने के लिए, हाइट भी कम करते हैं, एकॉस्टिक भी रिवर्बरेशन नहीं हो इसके लिए, और पार्टीशन भी कुछ करते होंगे। पार्टीशन उसके वॉइस का जो माइक्रोफोन है उसको पिकअप न ले, इसके लिए पार्टीशन वगैरह किया गया। और म्यूजिक के जो अलग अलग सेक्शन थे, जैसे वॉयलिन में रिदम में नहीं आए, वो उसको उसके बीच में नहीं। उसको अच्छा, आप मदर इंडिया के गाने जब रिकॉर्ड हुए तो गानों के रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप थे? हाँ, मैं पूरा। अच्छा, गाने भी डायरेक्ट ऑप्टिकल थे? हाँ, डायरेक्ट मुगले आजम के पूरे गाने हुए हैं, मुगले आजम के जो गाने थे महबूब में, महबूब में कुछ साहब ने रिकॉर्ड किए, वो सब गाइड के गाने कुछ रिकॉर्ड किए। गाइड वो कहाँ थे? वही उसी स्टूडियो में, उसी दीदार के गाने उन्होंने किए थे, मुकुल भोज ने किए थे, और वो दो चैनल का मिक्सर, दो चैनल, दो माइक्रोफोन, और सारा म्यूजिक उसके ऊपर, कोरस भी, सोलो भी, शूटिंग फ्लोर पे, शूटिंग फ्लोर पे। फिर वो नहीं, उधर वो बोला ना, वो बोला ना प्रीव्यू थिएटर था, उसमें किया उन्होंने। वो अभी उसकी तो हाइट थोड़ी चलो कम होगी, अरे वो छोटा ही था, वो ये इससे भी छोटा था, बहुत छोटा थिएटर था वो, तो उसमें किया उन्होंने। फिर बाद में जब म्यूजिशियन वगैरह ज्यादा होने लगे तो फिर वो भी इधर का थिएटर जो था उसको बनाया, उसको फिर करके एक नंबर का, एक नंबर नहीं, वो अभी जो अभी जो है फर्स्ट फ्लोर पे,
वहाँ किया उसको, मतलब स्टेज नंबर वन पे गाने मुगले आजम हुए, मुगले आजम के गाने मदर इंडिया के, मदर इंडिया के स्टेज नंबर वन पे हुए। आपका स्टेज नंबर टू पे भी हुए कुछ गाने? स्टेज नंबर टू है ना, उसमें भी कुछ गाने गए इधर के। समझो आपको जब जब मैं काम देव साहब के साथ जब मैंने काम किया 12 साल, तो उस वक्त वो जो रिकॉर्डिंग रूम है वो जो बहुत ब्यूटीफुल रिकॉर्डिंग रूम है, सोफे वगैरह जैसे किसी एमडी का रूम लगता है, उसमें एक मिक्सर है जो 4 चैनल का मिक्सर है। तो मुझे वहाँ पे कामिल करके एक लड़का होता था, उसने मुझे बताया कि उस मिक्सर पे सारे मदर इंडिया सारी फिल्मों के गाने, 4 चैनल मिक्सर। एग्जैक्टली, तो मतलब ताज्जुब नहीं होता कि आजकल के, क्योंकि हमने भी जो पढ़ाई की, मैं जो कह रहा था हमको जो FTI में हमारे जो रिकॉर्डिंग की जो हमको जो सीख दी वो SP ठकर साहब थे, ठकर साहब थे। तो उन्होंने हमको ये दिखाया कि रिकॉर्डिंग की कला ये है कि आप एक माइक पे कितने इंस्ट्रूमेंट्स को ब्यूटीफुली बैलेंस कर सकते हो, वो आपकी आर्ट है। आजकल आर्ट क्या हो गई है कि हर माइक हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग माइक, अलग है, और उसके चैनल भी अलग है, चैनल ही अलग, अलग ही है। माइक तो छोड़ दीजिए, चैनल ही अलग है, खेलते बैठते उसमें फिर मतलब। तो ये जैसे बूम बूम पे मैं एक्सपर्ट था, ऐसे ये अरेंज करने भी मैं एक्सपर्ट था। अच्छा, ये माइक्रोफोन को कैसे कैसे आर्टिस्टों को प्लेस करना, मैंडोलिन कहाँ रखना है, ये तबला कहाँ रखना है, ढोलक कहाँ रखना है। अच्छा, दो दो ढोलक, दो दो तबले, दो दो रिदम सब एक साथ ही बैठते हैं, दो दो कोंगो, दो दो बोंगो, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के वो बहुत मजा आता था यार, बहुत मजा आता। क्योंकि मुझे भी ये जो जब टेक होता है ना या रिहर्सल जब होता है, तो जो उस हॉल के अंदर जो म्यूजिक का माहौल निकलता है वो तो आप अब मिल नहीं सकता। या तो आप कोई सिम्फनी सुनने जाइए जुबिन मेहता की, तो ठीक है, वो तो अभी क्या एक आदमी आके छोटे से कमरे में बैठ के अपना बांसुरी बजा के चला जाता है। उन दिनों में देखिए ना, बासी के लिए अलग, शहनाई के लिए अलग, इसके लिए अलग, वो के लिए पढ़ाने के लिए सब। लेकिन क्या है, वो म्यूजिशियन भी अपने जगह पे बराबर आके प्लेसिंग लेके बराबर बजा के चले जाते। अच्छा, वो मतलब कि बजा के अपना पीस वो हट जाते हैं, दूसरे को जगह देते। समझे ना, वो अपने राम नारायण जी सारंगी वाले और रामलाल जी शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी आके बिल्कुल जी टू शहनाई में आके बजाया था। फिर रामलाल जी भी थे उस वक्त, वो भी उनका तो बड़ा कमाल था, रामलाल जी का जगह पे खड़े ही नहीं रहते थे कभी भी। अच्छा, जहाँ पीस आया के बराबर पहुंच जाते थे और बजा के निकल जाते थे। उनको तो बैठना पड़ता है सारंगी वाले को, सारंगी वाले को तो बैठना पड़ता है। रामलाल जी तो बड़ा कर रहते थे जैसे, और वो क्या है, किसी को हाथ लगाया, किसी ने कहीं से मुझे छुआ तो जाके फौरन हाथ धोया करते थे। अच्छा, अपना हाथ धो लेते थे। अपना हाथ धो लेते थे, फिर हाथ धो के फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते थे। तो ये बूममैन का काम आपने फिर और कितनी फिल्में आपको याद आती हैं? एक मेरी पिक्चर थी कोहिनूर, तो बड़ी फेमस, बड़ी सुपरहिट फिल्म, बहुत ही फिल्म थी दिलीप साहब की उसमें, और वो पूरा मतलब एक माइक के माइक पे काम हुआ है पूरा, और सिंक साउंड है पूरी पिक्चर। सिंक साउंड तो सभी फिल्में होती थी, सभी जो फ्लोर में होती थी ना स्टेज में, तो पूरी वो आप कभी भी कोई रेगुलर देखिएगा क्या प्लेसिंग माइक की है उसमें। अच्छा, मदर इंडिया की जो शूटिंग शुरू हुई वो पहला मतलब उन्होंने काम कहाँ शुरू किया? स्टूडियो में फ्लोर अपना नंबर 2 फ्लोर जो है, तो वो जो उसमें आउटडोर का विलेज दिखाते हैं वो तो आप ही किया था गुजरात में। तो वो एक गए, वो एक साथ सारा काम सारा काम करके आ गए थे वो। और वो जो जैसे किसी का घर है, झोपड़ी है, वो स्टेज पे कर लेते थे। और इतना साइलेंट लोकेशन मिला था हमको, जरा भी ना हवा थी, ना कोई आवाज था, ना कुछ सबड़ा, नो डबिंग, उसमें भी डबिंग नहीं है, कोई डबिंग नहीं है। उस वक्त डबिंग होती नहीं थी, उस वक्त डबिंग होती शायद। अच्छा, लोकेशन पे जैसे किसी शॉट में मान लीजिए कुछ हो गई गड़बड़, कुछ बाहर की आवाज आ गई, तो क्या उस वक्त ये चलन था कि हम उस वक्त शॉट के बाद इमीडिएटली रिटेक करते थे, कट करते थे? रिटेक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑडियो डब लेते थे वाइल्ड ऐसा?
वाइल्ड लेते थे, वाइल्ड लेते थे, वाइल्ड लेते थे, वाइल्ड लेते थे, और कभी वो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो फिर चला भी लेते थे, क्योंकि नरगिस की काफी मतलब है कि वाइल्ड बहुत वो वाइल्ड थी साउंड उनकी, बहुत वाइल्ड था। तो कभी मल्टीपल बूम की जरूरत पड़ी या एक ही बूम से? एक ही बूम से, जैसे कभी कोई दो आर्टिस्ट दूर दूर हैं तो वो पैन टेकिंग ऐसा होता था। अच्छा। उस जमाने में जो टेकिंग था ना, ये अभी ये इससे ये नहीं जूम लो ना जूम करो ना ये वो कुछ नहीं था, वो सिंपल था। एक वे लॉन्ग एक बड़ा शॉट ले लेते थे, फिर क्लोज 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 करके अपना ये कर लेते थे, कभी जरूरत नहीं। तो बड़े शॉट में थोड़ी सी साउंड थोड़ी वीक मिलती होगी, क्योंकि लॉन्ग अगर है नहीं वीक नहीं मिलती थी, अच्छी मिलती थी वो भी, क्योंकि माइक चला जाता था ना अपने दूर। हाँ क्योंकि अभी आर्टिस्ट कितने कैसे शॉट पे ऐसे थे कि वो फर्स्ट फ्लोर से ऐसा चलता हुआ सीढ़ी से उतरता हुआ आ रहा है, क्लोज में आया ऐसा, वो सब उनको पैन करना पड़ता था, पूरा पैन भी, हाँ पैन भी करना पड़ता था, फेसिंग भी करनी पड़ती थी, और ऐसे दो दो तीन तीन आर्टिस्ट एक साथ बोलते भी नहीं थे उसमें। हाँ। वो बड़ा टेकिंग जो था बड़े तरीके से टेकिंग, अभी आज की तरह थोड़ी होता है यार, तो ठोकम ताकि चल रही है बस, उसमें बड़ा बड़े तरीके से काम होता था। वही इंटरेस्टिंग वाक्य आपको याद है, मैं किसी भी मिशन में से 55 का या मदर इंडिया का या कोहिनूर का, जिसमें कोई मतलब टेक्निकल कोई चैलेंज कभी हो जाता है ना कि अरे यार ये कैसे होगा, और उसमें किसी ने कुछ ऐसा कोई सास है नहीं एक्चुअली। अच्छा, ऐसा कोई सास नहीं है, सिंपल मतलब बिल्कुल 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 माइक बिल्कुल ऐसे क्लोज आता था, दूर भी जाता था। माइक्रोफोन का कौन से थे ये? आरसीए के माइक्रोफोन थे, आरसीए का एक माइक्रोफोन था जो ऐसा गोल वाला ना, योगी योगी क्या क्या नाम था उसका, 10001C करके एक माइक था, नापी याद नहीं मुझे, ऐसा गोल था ऐसा बड़ा था। हाँ, हाइड्रोसिन टाइप का था वो, मैबोम में था वो माइक यूज किया। एक वो भी था कि यूनिट डायरेक्शन भी था एक माइक, ऐसा चपटा था सामने से ऐसा। अच्छा, यूनिट डायरेक्शन ऐसा सामने से चपटा था, तो उस पर ज्यादा करके आरसीए का एक वो भी माइक था ऐसा लंबा सा, लंबा सा वो रेडियो में काफी यूज होता है। फिर उसके बाद में वो ये आ गया इसका जर्मन की है ना, न्यूमैन, न्यूमैन आ गया। फिर न्यूमैन आपके जमाने में आ गया गाने उस भी होते थे। हाँ, वो शार्पनेस वगैरह, अच्छा शार्पनेस बड़ा अच्छी क्वालिटी थी। तो कुछ ऐसा इसका वाक्य सुनाइए ना, कोई टेक्निकल नहीं तो कोई वैसे ही मतलब की कोई यूनिट में कभी कुछ चीजें हो जाती है ना, जो किसी फिल्म के शूटिंग में एक दो चीजें याद रह जाती हैं, कभी कुछ हो गया, कुछ आई डोंट नो कुछ गिर गया, या ऐसा कोई खास ऐसा कुछ हुआ, कभी कुछ शूटिंग रुक गई, या कुछ किसी का कोई जोक या कोई मजेदार वाक्य। वो शूटिंग में वो झूले वूले के सीन्स होते थे, उसमें कभी किसी का कभी झूला कट टूट गया फूट गया तो कोई गिरा पड़ा। किस किस फिल्म में था ये? मदर इंडिया में, मदर इंडिया में। तो उसमें क्या है, कैमरे बड़े हेवी होते थे जमाने में, एक्लेयर डेवरी ये बड़े बड़े कैमरे होते थे। ये मिचल तो भी आया बाद में। अच्छा, मिचल बाद में है? बहुत बाद में है। तो आप तो लोग आपकी शूटिंग अमेरिका से देवसा भी लाए मिचल पहले, सबसे पहले। अच्छा, देवसा भी लाए, मैं गाइड में शायद आया था, हो सकता है। तो ये डेवरी और तो आपके आपके साथ वो भी रिकॉर्डिंग वो होंगे ना, क्या नाम है बारोट, बारोट बारोट के बारोट साहब गए और मैं आया। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? मेरी जो फिल्म थी उससे पहले की हीरा पन्ना बारोट साहब ने की। अच्छा अच्छा अच्छा, हीरा तेरे घर के सामने? हाँ, वो सब बारोट साहब ने की थी। अच्छा अच्छा, इनके पीछे थी अपने की दो नालिया पता नहीं क्या थी पीछे, तो उसमें प्लेबैक चल रहा था, तो उसमें एक्सेटेल लैम्प उड़ गया। कौन सा? एक्सेटेल लैम्प, एक्सेटेल लैम्प उड़ गया, तो बिल्कुल एक्सेटेल का मिलेगा। तो मैंने क्या किया, आईना लिया, आईने से उसको उसमें मारा लेंस के ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन दिया उसका, और उससे मैंने प्लेबैक चलाया। तो आईने पे कोई लाइट मारी आपने?
नहीं सूरज की लाइट। अच्छा सूरज की लाइट, सूरज की आउटडोर में ना। अच्छा 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 आउटडोर में सूरज की लाइट, फिर उसको उसको ये ऐसे करके जो उसका है ना जल लैम्प लगता था उसके ऊपर उसको लैम्प को हटा दिया होगा। लैम्प तो लैम्प ही हो रही है वो, तो उसको निकाल दिया, निकाल के फिर उसकी जो रेस पड़ी उसके ऊपर एक्साइटर की जगह पे वो उससे मैंने वो जो स्लिट के ऊपर उससे काम चला। थोड़ा क्या लेकिन चला फिर, अरे चला बोले तो फर्स्ट क्लास चला। अब कह चुके मैं, मैंने अपने इसका कोर्स भी किया था ना। कौन सी फिल्म ये थी? ये दो माली कुछ था, दो माली, दो माली। ये अपने रेडियो का कोर्स भी किया था ना मैंने, मैट्रिक के बाद रेडियो का कोर्स किया था सांस्कृतिक में। हाँ, ये तो थोड़ा सेंस था मुझे इसका। हाँ, भी क्या क्या कोर्स था ये? रेडियो, रेडियो दिन का था, एक साल का कोर्स था, एक साल का वो किया था। उसके बाद तो मुझे थोड़ी सेंस थी, ये कंडेंसर रेजिस्टर ये वो सब। उस वक्त तो ये ट्यूब्स वगैरह ही थी। हाँ, ट्यूब्स, ट्यूब्स ट्रांजिस्टर नहीं था। अच्छा, तो वो एक बड़ा इंसिडेंट अच्छा हुआ। तो मतलब कि फिर क्योंकि आउटडोर में रहे होंगे आप लोग? आउटडोर में, आउटडोर में, आउटडोर में। कि कहाँ था वो? मतलब खंडाला, खंडाला। वो तो शूटिंग ही पैकअप हो जाए अगर वो आप नहीं निकाल लेते। नहीं, तो शूटिंग ही पैकअप हो जाती थी। तो ये आपको आइडिया, मतलब आपने पहले से सुना था कि किसी ने ऐसा? नहीं नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया। लेकिन इतना है कि एक्साइटर की स्लिट को, स्लिट की लाइट जाती है उसमें ट्रैक के ऊपर, तो साउंड आती है, इतना बढ़िया पड़ता था। ओके, तो मैंने वो मिरर से उसको दिया, स्लिट पे, स्लिट पे लाइट दी। और कौन डायरेक्टर वगैरह? क्योंकि फिर इससे ये कारदार खुद ही कारदार में। क्या दो माली? दो माली। और एक्ट्रेस वगैरह कौन थे उसमें? नहीं याद है। गाना कौन सा याद है? वो भी नहीं याद है। ये तो इसलिए याद नहीं आपको? नहीं याद नहीं। okay. अपना ये शर्मा था मेरे साथ, शर्मा जो इसमें है ना, अजेंडा में जो शर्मा था। हाँ, शर्मा जी। ये मेरे साथ थे उस वक्त। शर्मा जी भी शायद अब रहे नहीं? नहीं, वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। तो वो महबूब का जनरेटर गया था। अच्छा, जनरेटर महबूब के पास था, वो जनरेटर गया था और जनरेटर के साथ मैं गया था। जनरेटर प्लस प्लेबैक मशीन, अच्छा, उसके साथ मैं गया था और शर्मा भी था मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे सिलेंडर गए, तो मैंने चलो यार मारो गोली, आईना लाओ, मेकअप मैन का आईना लिया, उसे वो दिया, शूटिंग तो हो गई है। बहुत ही क्रिएटिव। अरे बाप रे, क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव बोले तो कैसे हो गया क्या मालूम। मतलब इससे ये हमारे फिल्म, फिल्मों में ये एक बड़ी कमाल की चीज है कि हर एक फिल्म का, हर जो एक सेकंड होता है उसकी एक कॉस्ट होती है। बिल्कुल, अरे जबरदस्त। यही कि अगर आप लाइटिंग में अगर 5 मिनट डिले हो गया तो आप कॉस्ट लगा लीजिए हर एक्टर की, स्टूडियो की, तो मतलब कि वो आजकल की डेट में तो लाखों में चली जाती है 5-5 मिनट की कॉस्ट। तो उस हिसाब से भी उस वक्त का बहुत रहा होगा, बहुत रहा। तो ये सब सबके तो पसीने छूट गए। तो आप अगर फिर काफी लोगों ने क्रेडिट वगैरह दिया, ताली वाली बजाई होगी। अच्छा, उस वक्त ये पेमेंट वगैरह कैसे होता था? मंथली रहता था? मंथली होता था, वो मंथली होता था। अगर आप तो काफी जैसे चेंज करते हैं। बहुत ही मतलब वेरी वेरी नॉर्मल पेमेंट होता था। 80 रुपीज पर आवर पर मंथ के हिसाब से तो काम किया मैंने। 80 रुपीज पर मंथ? पर मंथ। पर उस वक्त के हिसाब से मतलब काम बन जाता था? लेकिन मुझे ओवर टाइम बहुत मिलता था। अच्छा, 3 गुना ओवर टाइम मिलता था, क्योंकि काम में बहुत करता था। हर शेक 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 जिसको देखो शेक शेक करता था वो। मगर जैसे आजकल लोग हीले हवाले करते हैं, नहीं वो मतलब प्रॉपर सिस्टम की तरह जो है वो मिल जाता। अच्छा, मेरे मुझमें एक खास बात ये थी कि जब डायरेक्टर शॉट बताता था कि ये शॉट इधर से ऐसा होगा, उधर से उधर होगा, तो मेरा बूम पहले ही वो जाके अपनी जगह पर रख देता था। पहला ही मैं टाइम बचे बर्बाद नहीं करता, ना आर्टिस्टों के साथ गप मारना, ना किसी के साथ गप मारना, अपना काम भला अपना। तो फौरन मेरा बूम जाके अपने रगे में, तो वो कैमरा में बोला यार इसका बूम आ गया, अभी इसके हिसाब से राइटिंग करनी पड़ेगी मेरा। वो तो मैं तो नहीं, तो अभी क्या है, पहले क्या होता था
कि लाइटिंग वाइटिंग होगी सब होगी तो फिर वो बूम लेके आ गया बीच के अंदर, दिक्कत बोले तो कैमरा मैन को बहुत तकलीफ होती थी, टाइम वेस्ट हो, हाँ बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने सोचा कि यार ये सबसे बेस्ट है कि आप ला के रख दो, ये सामने ऐसा रख दिया, उसको बता दिया कि भी ऐसे ऐसे मेरा घूमेगा फिरेगा इधर उधर, अभी आपको जैसे लाइटिंग करना करो। तो वो भी अपने असिस्टेंट को बोला करता था कि भाई इसका बूम जरा देखना है। तो कभी मुझे दिक्कत नहीं है कि ना कैमरामैन के साथ हुई ना किसी के साथ दिक्कत, क्योंकि आपकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी। क्या डायरेक्टर ने बताया कि मैंने कैमरा बूम रख दिया लाके, तो एक अच्छी बात है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और नहीं तो क्या है, तो देखता वो बूम बीच में घुसेड़ रहा है, वो लाइट हटा रहा है, ये कर रहा है, फिर वो गालियां खा रहा है, यार ये क्या है, बदतमीजी थी यार। बिल्कुल सही। ये भी आज के जमाने में तो बूम तो रहा ही नहीं, आज तो है करते हैं लोग, मगर आधे वो बूम कहाँ यूज करते हैं, वो बूम वो अभी ठंडे में लगा दिया है और आजकल वायरलेस माइक्रोफोन निकले हैं, बिल्कुल सही, तो वो लगा दिया उसने। और ये मुझे पसंद नहीं है, ये आजकल के जो ये सिंक साउंड जो ले रहे हैं ना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या है, सिंक साउंड लेने के बाद कभी डब डब साउंड इसके अंदर बीच में आ गई तो बहुत फर्क पड़ जाता है यार, बहुत फर्क पड़ जाता है। सिंक साउंड और डब साउंड में मैच करेंगे ना, अब ये लगान की पिक्चर में सब सिंक साउंड और डब साउंड डाल के बहुत बकवास कर दिया। जितने भी आजकल पिक्चर देखता हूँ मुझे पता नहीं आता है, या तो सिंक साउंड पूरा ही लो या तो भाई पूरा डब करो, ये क्या आधा वो आधा वो आधा वो आधा वो, तो साउंड का सत्यानाश, एक भी पीछे काम की नहीं दिखती मुझे। तो लगान तो कहते हैं कि पूरी फिल्म में सिंक साउंड थी, मगर डब भी डब साउंड भी आई है इसके अंदर बीच बीच में, 5% 10% तो वो 5% 10% से वो डबिंग तमीज से होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अभी हम लोग करते थे डबिंग भी हम लोग करते थे, तो कभी एजेंटा में कर लिया, कभी राजकुमार में कर लिया, कभी नौरो में कर लिया, कभी इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, लेकिन क्वालिटी में कहीं फर्क नहीं आएगा आपको, क्योंकि रिकॉर्ड इससे ही होता था ना, रिकॉर्डिंग जो है करने वाला। अभी आप अपनी पिक्चर जो कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पूरी पिक्चर वही हिसाब से करेंगे ना, कहीं भी ले जाओ, आपको कहीं भी ले जाओ, कि भाई एजेंटा में ले जाओ, नौरंग में ले जाओ, महबूब में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, अपने हिसाब से ही करोगे ना, वो बराबर मैच करेगा वो। अभी क्या है, ये आया उसने किया, वो आया उसने किया, इसने किया, तो वो सत्यानाश हो जाता है वो, बिल्कुल वो मुझे पसंद नहीं है।